हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे एक्सरसाइज 3.4 से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है स्ट्रेट वेदर ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे हम सेंटेंसेस दिए गए हैं और हमें इसमें से ट्रू और फॉल्स देखना है कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पार्ट ए, ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स। देखिए रेक्टेंगल्स के एक दो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, लेकिन उसके ऑल साइड्स इक्वल नहीं होते, तो ये स्क्वायर नहीं हो सकता। तो इसका आंसर है सिंपली फॉल्स। तो चलिए अभी दूसरे पार्ट को देखते हैं। तो दूसरा पार्ट है हमारा ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम्स। तो हर एक रोम्बस पैरेललोग्राम होता है कि नहीं? जी हाँ, इसका सिंपली आंसर है ट्रू। अभी थर्ड पार्ट पे चलते हैं। ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बसेस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल्स। सॉरी, यहाँ पे मैं भूल के यहाँ पे लिख दिया, मेरे को एक्चुअली लिखना यहाँ पे था। तो सेकंड का ट्रू था और थर्ड का भी ट्रू है, क्योंकि हर एक स्क्वायर रोम्बस भी है और एक रेक्टेंगल भी है। तो पार्ट फोर में ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम्स, ये फॉल्स है। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉल्स। नाउ फिफ्थ पार्ट, ऑल काइट्स आर रोम्बसेस। ये तो भाई सभी को पता है कि ये फॉल्स है, क्योंकि हर रोम्बस एक काइट हो सकता है, पर एक हर काइट एक रोम्बस नहीं हो सकती। काइट तो काफ़ी सारी शेप्स में आती है, तो ये फॉल्स होगा। यस, तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल रोम्बसेस आर काइट्स। जो मैंने अभी अभी बोला था भाई, वही ही ट्रू निकला। तो यहाँ पे लिख देते हैं ट्रू। उसके बाद ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम। जी हाँ, क्योंकि पैरेललोग्राम्स में दो साइड्स पैरेलल होती है, दो आगे दो वाली भी साइड्स पैरेलल होती हैं, और ट्रेपेजियम में भी दो साइड्स पैरेलल होती हैं। और बाकी तो अब आप, मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ कि अगर आप पैरेललोग्राम में ट्रेपेजियम का फॉर्मूला निकाल के एरिया निकालेंगे, तब भी आपका एरिया राइट आएगा। तो इसी से प्रूफ हो जाता है कि ये एकदम ट्रू है। उसके बाद पार्ट नंबर एच, ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम्स। जी हाँ, ये भी ट्रू है। तो यहाँ पे भी ट्रू लिखते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर टू, उसमें है कि आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव। हमें वो हर एक क्वाड्रिलेटरल वो लिखना है जिसमें ये पार्ट नंबर ए का क्वालिटी हो और पार्ट नंबर बी का। तो चलिए रीड करते हैं। फोर साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। जी हाँ, ऐसा तो एक स्क्वायर भी है जिसका इक्वल लेंथ है। उसके बाद फोर राइट एंगल्स, ये स्क्वायर हो सकता है, क्योंकि जो स्क्वायर है, चलिए एक डायग्राम भी बना के समझ लेते हैं। मैं ऐसे भी क्या एक्सप्लेन करूँ, ये देखिए, ये एक स्क्वायर है जिसका आप देख सकते हैं हर एक एंगल राइट एंगल है और उसका हर लेंथ इक्वल है। तो सिर्फ एक ऐसा स्क्वायर ही है जिसका ये सब प्रॉपर्टीज एक साथ है। तो इसका सिंपल सा आंसर है स्क्वायर। चलिए अब थर्ड करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में लिखा है एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज। अब हमें स्क्वायर को, इस बात को एक्सप्लेन करना है कि स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल कैसे है, एक पैरेललोग्राम कैसे है, एक रोम्बस कैसे है और एक रेक्टेंगल कैसे है। तो चलिए डिस्क्राइब करते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं क्वाड्रिलेटरल कैसे है। अब सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल वो चीज़ होती है जिसको, वो कोई भी शेप जिसके सिर्फ चार साइड्स हो। तो जी हाँ, स्क्वायर के पास फोर साइड्स है, तो एक क्वाड्रिलेटरल है। तो चलिए लिखते हैं अ स्क्वायर हैज फोर साइड्स, देयरफॉर इट is a quadrilateral. अब नेक्स्ट पार्ट ये पूछ रहे कि पैरेललोग्राम कैसे है। तो चलिए लिखते हैं। अब पैरेललोग्राम के दोनों जो साइड्स होते हैं, पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं,
उसके जो दोनों साइड होते हैं वो पैरेलल होते हैं। जैसे अगर ये ए बी है तो वो डी सी के पैरेलल है, और जो ए डी है वो बी सी के पैरेलल है। तो चलिए लिखते हैं, द बोथ साइड्स ऑफ स्क्वायर आर पैरेलल, सो इट इज अ पैरेललोग्राम। सो इट इज अ पैरेललोग्राम। तो चलिए अब बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में क्या लिखा है कि अब ये रोम्बस कैसे है। रोम्बस वो इसलिए क्योंकि इसके हर एक साइड इक्वल है, तो ये रोम्बस की भी प्रॉपर्टी है, तो ये वो रोम्बस भी है। एट तो इसको लिखेंगे ऐसे क्योंकि वो एक पैरेललोग्राम भी कह सकते हैं, जिसके हर एक साइड इक्वल है तो वो एक रोम्बस है। तो लिखेंगे इट इज अ पैरेललोग्राम विच has its all side equal, so it is a square, sorry rhombus। चलिए अब हमारे हम पहुंचे अपने लास्ट पार्ट की तरफ जो कि है रेक्टेंगल। अब पूछ रहे हैं रेक्टेंगल कैसे है। अब ये रेक्टेंगल इसलिए है क्योंकि इसका हर साइड 90 डिग्री एंगल है। सो लिखेंगे इट हैज ऑल साइड्स राइट एंगल, सॉरी ऐसे सॉरी मैंने रॉन्ग लिख दिया, ऑल राइट एंगल्स ऐसे लिखना है। सो इट is a rectangle। लीजिए आपका फोर्थ पार्ट भी सॉल्व हो गया है। अब बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। अब हमें उन क्वाड्रिलेटरल्स का नाम देना है जो जिनके डायगनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। पार्ट टू में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स है एक दूसरे के, और तीसरे में जो इक्वल डायगनल्स है। तो चलिए लिखते हैं। तो सबसे पहले बाइसेक्ट तो स्क्वायर के डायगनल्स करते हैं, तो स्क्वायर लिखते हैं सबसे पहले। उसके बाद रेक्टेंगल के भी करते हैं, तो रेक्टेंगल भी लिखेंगे। उसके बाद पैरेललोग्राम के भी करते हैं, तो उसका भी लिखना है। और एक रोम्बस भी है तो उसका भी करना है। तो अगर आपको चेक करना है तो आप अपने प्रैक्टिकली एक डायग्राम बना लीजिए स्क्वायर का, और उसके डायगनल्स बनाइए। देखिए वो एक दूसरे से बाइसेक्ट, एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। अब ये पूछ रहे हैं सेकंड पार्ट में जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स है एक दूसरे के, तो चलिए वो भी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है रोम्बस। यस रोम्बस। और हमारा दूसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है स्क्वायर। चलिए अब थर्ड पार्ट करते हैं। अब हमें उनका लिखना है जिसके दोनों डायगनल्स इक्वल हैं। तो सबसे पहला है हमारा स्क्वायर, इसके जो दोनों डायगनल्स हैं ना वो इक्वल हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा है रेक्टेंगल, तो वो भी लिख लेते हैं जी। तो चलिए अब फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन फाइव है, एक्सप्लेन व्हाई अ रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो इसका तो बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है, वो इसलिए क्योंकि जो इसके दोनों डायगनल्स है वो इंटीरियर में लाई करते हैं। तो चलिए ये एक लाइन का आंसर है, इसको फटाफट से लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखना है कि क्वेश्चन था कि लिखना है रेक्टेंगल रेक्ट is a convex quadrilateral because its both
डायगोनल्स लाई इन इन द इंटीरियर लाई इन द इंटीरियर। चलिए ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर दिया। अब बस हमारा एक क्वेश्चन रहता है, वो भी हम रीड करके सॉल्व कर देते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, ए बी सी डी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल एंड ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑपोजिट टू द राइट एंगल, एक्सप्लेन व्हाई ओ इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड ए बी एंड सी, द डॉटेड लाइंस आर ड्रॉन एडिशनली टू हेल्प यू। तो चलिए इस सम को भी समझ लेते हैं। तो इस सम में पूछ रहा है कि जो ए बी सी है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और जो उसका मिड पॉइंट है ओ वो उस राइट एंगल के ऑपोजिट में है। अब पूछ रहा है ये ओ एक्सप्लेन कि ये जो ओ है ये ए बी और सी में से इक्विडिस्टेंट क्यों है, और ये जो डॉटेड लाइंस जो हमने बनाई हैं ये हमारे हेल्प के लिए एडिशनली ड्रॉ की गई है। तो चलिए लिखते हैं, ये जो ए बी है पैरेलल है डी सी के और जो ए डी है वो पैरेलल है बी सी के, है ना, इतना आपको पता है। तो जो ये पैरेललोग्राम है ये एक टाइप से पैरेललोग्राम बन गया ना, तो लिखेंगे इन पैरेललोग्राम, सॉरी ये मैंने गलत डायग्राम ड्रॉ किया, इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी पॉइंट नहीं सॉरी मैं बार बार भूल रहा हूँ, पैरेललोग्राम ए बी सी डी द डायगोनल्स ए सी एंड डी बी बाइसेक्ट ईच अदर एंड सो इट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट ओ। तो हमने क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व कर लिया है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और पास वाला बेल वाला आइकन दबाएं। मेरी वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।